सालों से संत की दोनों किडनी है फेल, कैसे जिन्ना है प्रेमानंद विज्ञान भी हैरान, राधा नाम का सहारा प्रेमानंद की दुनिया। जरा सोचिए, अगर किसी की दोनों किडनी फेल हो तो वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, 1 साल, 2 साल या 3 साल। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक शख्स ऐसे भी हैं जिनकी दोनों किडनी 18 साल से ज्यादा से खराब हैं, लेकिन वो संत आज भी जिंदा है और राधा नाम जप का दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि वो संत किसी अस्पताल के बेड पर नहीं पड़े रहते, बल्कि बिना दिन दोपहर की परवाह किए भक्ति में लीन रहते हैं और दिन में कई किलोमीटर पैदल भी चलते हैं। हमारा देश भारत अपनी सनातन संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भारत में ऐसे महात्मा आए जिन्हें भगवान के दर्शन भी हुए। भारत में अब भी कई ऐसे सारे संत महात्मा मौजूद हैं जिनकी वाणी बड़े बड़े नास्तिक और पापी को भगवान की शरण में आने के लिए प्रेरित करती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज की, जिनका जीवन ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियाँ 18 साल से ज़्यादा से फेल हैं, फिर भी वो जिंदा हैं। और जिंदा ही नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा किसी से कम नहीं होती। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था। महाराज जी के पिता और दादा दोनों ही सन्यासी थे और माँ परायण थी। महाराज जी के माता पिता दोनों ही साधु संतों की सेवा करते रहते थे और आदर सत्कार भी करते थे। और कुछ समय में ही महाराज जी आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए और अब वृंदावन में ही वास करते हैं। कुछ दिनों पहले क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी इनसे मिलने आए थे, लेकिन इस मुलाकात की खास बात यह है कि उन्होंने मीडिया में छाए विराट कोहली और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को भी नहीं पहचाना। सेलिब्रिटी दंपति को साथ आए उनका परिचय कराना पड़ा। बाबा ने कोई विशेष प्रतिक्रिया भी नहीं दी, सामान्य भक्तों की तरह उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी मुलाकात का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को ये जानने की इच्छा हुई कि ये बाबा आखिर कौन है जो इन दोनों को नहीं पहचानते। बताया जाता है कि बहुत समय पहले डॉक्टरों ने इन्हें बताया था कि आपकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और आप केवल 2 या 3 साल तक ही जी सकते हैं, लेकिन आज 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और महाराज जी वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जिस शख्स की दोनों किडनी खराब हों वो अब तक जिंदा है। सुबह 4:30 बजे से प्रेमानंद जी सत्संग करने लगते हैं। महाराज जी की उम्र लगभग 60 साल है, वो अभी वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में, भगवान और कृष्ण का ध्यान में और निस्वार्थ सेवा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।